काशी मेला, मेले में भी ये दिल है अकेला। दुनिया जाने ना जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला। ओ बीबा ओ हबीबा, क्यों तू इतनी गुमसुम है? लाखों है चेहरे पर लगता बस हम तुम है। खुल आंखें सारी खुशियाँ तेरे कदमों को चूमेगी, तेरी मेरी होगी जोड़ी यह दुनिया देखेगी। तू कब जानेगी, तू कब मानेगी, तू है जाने जाना, तू मेरी महबूबा। सोच नहीं सोचा तूने कभी, सोचा नहीं सोचा तूने कभी दिल रुबा। तू कब मानेगी, तू कब जानेगी, तू तू है जाने जाना, तू मेरी महबूबा। ऐ दिल रुबा कितना हंसी मेला, तुझको पता तू ही मेरी लैला। मेरे दिल में बस तू है ये तूने ना जाना, मैं हूँ आशिक तेरा आशिक ये तूने ना माना। शर्माती घबराती क्यों मुझको तड़पाती, फिर भी तू मेरे दिल को क्यों इतनी है भाती। तू कभी मानेगी, तू कभी जानेगी, तू तू है जाने जाना, तू मेरी महबूबा। सोचा नहीं सोचा तूने कभी, सोचा नहीं सोचा तूने कभी दिल रुबा। मैं हैरान हूँ क्योंकि ये गाना बहुत मुश्किल है, पता गाने में मुझे खुद तकलीफ होती गाते हुए, बिकॉज इसमें सांस की जगह नहीं कहीं भी। तू कब जानेगी, तू कब मानेगी, तू यहाँ की यहाँ पे तू इमीडिएट सांस नहीं भरती है। तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा गाया आपने। मुझे सिर्फ लगता है कि आपकी टेंडेंसी है संदीप कि आप थोड़ा सुर से चढ़ जाते हो गाते गाते कभी कभी, ओनली ये चीज़ को अगर आप गौर करें तो फिर कोई कमी नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू सर। रोमांटिक सॉन्ग्स ऑलवेज कनेक्ट, क्योंकि रोमांस नेवर फेल्स, दिस ट्रेमेंडस कनेक्शन। और कहीं कहीं तुम सुर से गए होगे जरूर, बट दैट मच बॉदर मी बिकॉज तुम्हारी आवाज़ उसको कवर कर दी थी, तुम्हारी इतनी मीठी प्यारी आवाज़ है। वेरी गुड, वेरी गुड संदीप, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे अमेजिंग रही है। क्योंकि संदीप तुम्हें भी याद होगा तुम कैसे थे जब तुम आए थे ऑडिशंस में, कुर्ता लंबा, बाल में तेल, हाथ ऐसे वैसे उठ रहे थे, और अभी मतलब यू कैन गिव रिकी मार्टिन अ रन फॉर हिज मनी। संदीप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आपके फेस पे जो डिफिकल्ट गाने गाते वक्त जो एक सर्टन मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ सिंगर्स में वो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उनका एफर्ट रहता है, अब आपका वो बिल्कुल एफर्ट आपके फेस पे नहीं है, आपके बॉडी पे नहीं है, आपका जो कंफर्ट लेवल है, एंड दैट मेक्स एडेड वैल्यू टू योर एंटायर पर्सनैलिटी एंड योर सिंगिंग। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक अरबाज से कुछ पूछना चाहती हूँ। अरबाज, wasn't it true that at one point you wanted to become a singer? Actually, ऐसा हुआ था कि एक बार बचपने में, I was around बचपने में around 15-16 years old, मैं अपने फादर के पास गया और मैंने कहा कि डैडी मुझे सिंगिंग का भी शौक है और क्रिकेट का भी शौक है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, शुड आई बिकम अ सिंगर और शुड आई बिकम अ क्रिकेटर। तो डैड ने बोला, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए। तो मैंने बोला, आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है? ये सिंग नहीं, मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन
को तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे ऐ वतन ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से, नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जला जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे ऐ वतन। पहले फरा से पूछते हैं, संदीप तुमने तो कमाल ही कर दिया यार, बस थोड़ा ही रोना बाकी था। आई थिंक इस गाने के बाद जैसे तुमने कहा कोई यूपी से, पंजाब से, बंगाल से, सब जगह से वोट आने वाले हैं तुम। मैं मानता हूँ कि ये गाना जिसे रफी साहब ने गाया है, आप बहुत ऑनेस्टली इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो किया, आपकी डिवोशन, डेडिकेशन आपकी आंखों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि आप इसे केयरलेसली नहीं ले रहे, लेकिन ये गाना आपकी पहुंच से बाहर है। एक तो ये गाना जो था, दिस इज वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग वन। सेकेंडली, थोड़ा सा आपने इससे पहले भी जो गाना गाया था, मुझे लगा कि आपने सोनू का गाना गाया और कहीं सोनू की भी झलक थी उसके अंदर गाने में, एंड अभी रफ़ी साहब का गाना गाया आपने और इसमें आपने फिर रफ़ी साहब की झलक लाने की कोशिश की। समवेयर दैट इंडिविजुअलिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू सिंग और हाउ योर वॉइस इज, आई फेल्ट एज अ लेमैन दैट वाज मिसिंग। मेरी टिप तुमसे यही है कि जो कारुनिया क्लासिकल ट्रेनिंग कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो कर्नाटक संगीत सीख रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तुम अपनी सिंगिंग को लाइटली मत लेना। अगर ये मूविंग सॉन्ग है, अगर और हमारे गूस पिंपल्स होने चाहिए, तो उसको किस तरह गाना निभाना, ये सब तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी कमियां बहुत खुल के नजर आ गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।